चले, ये थे राज्यवर्धन सिंह राठौर जो बता रहे थे कि देश में एक अच्छी राजनीति का दौर शुरू हो गया है। एक बार मैं आपको अपडेट कर दूं, अभी तक हमारे पास 542 सीटों के रुझान आ चुके हैं, जिसमें 327 पे एनडीए बढ़त बनाए हुए है, 104 पर यूपीए और 111 पर अन्य। और अब मैं स्वागत करती हूँ स्टूडियो में मेरे वरिष्ठ सहयोगी नीरज मेहरा का, साथ ही मेरे वरिष्ठ सहयोगी संयोग जैन, और भाजपा से हमारे गेस्ट आए हैं अशोक सिंह शेखावत जी। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अशोक जी, सबसे पहले तो आपको थोड़ा बधाई और शुभकामनाएं देने हैं, आपकी उम्मीद के मुताबिक परिणाम आते दिखाई दे रहे हैं। अशोक जी, क्या कहेंगे इसके ऊपर? आपकी बधाई है, स्वीकार्य है, और जनता ने जो जिस प्रकार से मैंडेट जो दिया है, जो 2014 में दिया था, उसके हिसाब से उसी अनुरूप जो चल रहा है और उससे आगे ही चलेगा जाकर के, तो हमें ये देना चाहते हैं कि 5 सालों में यदि हमने जो विकास के जो काम जो आयाम लेके आए, वो जनता के हम समक्ष में इस प्रकार के पॉजिटिव हम लेके आए, और पॉजिटिव के अनुसार ही हमने ये काम किया, और आगे भी इस प्रकार से आप देखेंगे, उस प्रकार से मोदी जी जिस प्रकार से आप कह रहे हैं, जिस प्रकार से उन्होंने रैलियों में अपना जैसे एड्रेशन दिया था, वो लगभग आपके देखेंगे तो 142 जो रैलियां जो उन्होंने की थी, जिसमें से आप 1,08,00,000 के लगभग उन रैलियों में जो लोग आए, और उसके अलावा 10,000 जो हमारे कार्यकर्ता थे, वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, उनसे उन्होंने मुलाकात करी। और ऐसा नहीं है भारतवर्ष का एक से कोणा लेके 10 से पूरे जितने भी कोणे थे उनमें उन्होंने नापने का एक काम किया। इसी प्रकार में हम संगठनात्मक रूप में देखते हैं तो अमित शाह भाई है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने भी आप देखेंगे तो 312 के लगभग रैलियां उन्होंने करी थी, जो चुनाव की घोषणा होने के बाद में 162 थी, जिसमें से उन्हें क्लस्टर के हिसाब से हम कहेंगे तो 63 के हिसाब से थी, और फिर ये कई भी हमारी ये योजनाएं जो बनाई गई थी, जो एक डायरेक्ट जो एक जनता से जुड़ कैसे सके, चाहे बूथ से आपका कार्यक्रम हो, चाहे मोटरसाइकिल की वाली बात हो, दीप ज्वलन की बात हो, या और कभी अन्य से काम हो, जो हमने लेके आए जनता के समक्ष हम जाके गए, तो एक विकल्प के रूप में हमें जनता ने देखा कि आज एक सशक्त राष्ट्र कौन बना सकता है, तो सशक्त विकास कौन कर सकता है, वैश्विक रूप से कौन जिसका कर सकता है, उनको देखते हुए आज सारी जनता ने जो मैंडेट जो दिया जा रहा है जनता का वो दिया गया है, और उसका आज परिणति जो आ रही है उससे यह देखता है कि मोदी जी जो आगे जो आगे विजन जो लेके आएंगे वो एक राष्ट्र के लिए एक सही भी होगा, जो राष्ट्र किस प्रकार से सुरक्षित हो, चाहे आंतरिक रूप से हो चाहे बाह्य रूप से हो, तो इस प्रकार के हम ये काम करेंगे, जो जिस और आगे भी हमारे जिस प्रकार से आप देखिए, अब जयपुर के अंदर बात करें तो 25 की जो राजस्थान की परिपेक्ष में बात करें तो 25 सीटें आ रही है, शायद सफल होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि मिशन भी 25 का 25 राजस्थान का जो हो रहा है, और पूरे भारतवर्ष में आप देखेंगे जिस प्रकार से ट्रेंड आ रहे हैं, अकेले 292 या 293 के लगभग आपकी बीजेपी ही उसमें आ रही है, जो अमित शाह जी ने कहा था कि हमारा टारगेट 300 का है, जहां तक हमारे विपक्ष का सवाल आता तो विपक्ष नहीं, उन्होंने उनसे पूछा गया राहुल गांधी जी से आपका नेतृत्व कौन होगा, बोला 23 तारीख को बताएंगे, हमारा था कि हमारा नेतृत्व कौन कर रहा है, नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं, फिर उनसे पूछा कि आपका महागठबंधन कैसे होगा, बोला 23 तारीख को तय करेंगे, लेकिन वो उन्होंने 21 को हलचल चालू कर दिए, उसके बाद में कहा कि आप कितना अचीवमेंट लेके आएंगे, हमने कहा कि 300 का लेके आएंगे, उन्होंने कहा कि 23 तारीख को बाद में हम बताएंगे, मतलब उन्होंने पूरे भविष्य के लिए कहा कि हम भविष्य में हम क्या देखेंगे, तो एक जनता ये देखना चाहती थी कि आप किस प्रकार से आप पॉजिटिव लेके आते हो, हर चीज का वो नकारात्मक रूप में करते गए, चाहे उनको आपसे चौकीदार चोर है के रूप में एक सकारात्मक रूप में आप बात करते, कोई उनकी योजना की क्रिटिसाइज करते तो बहुत अच्छा होता, और जनता को एक देखता है कि किस प्रकार की योजना इसमें क्या कमी हो सकती है, लेकिन हर बात को लेकर के, चाहे आपने कहा संवैधानिक संस्थाओं का, लेकिन जनता के बीच में आया कि कौन सी संवैधानिक संस्था है जिसका डिमोलाइज किया है, उनको कम किया गया, लेकिन वो ऐसा कुछ जनता के समक्ष दे नहीं पाए, तो नैरेटिव यदि माइंड बनाओगे आप बार बार में जनता के ये बातें करोगे तो जनता उसको स्वीकार नहीं करेगी, और वो इसका एक परिणति के रूप में एक रोष के रूप में किया गया है कि विपक्ष ऐसा क्यों राजनीति कर रहा है, यदि करनी है तो आप पॉजिटिव राजनीति करो, इसका एक परिणति का नतीजा है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए है जिसको ये बढ़त मिल रही है। जी नीरज जी, मैं एक बार आपसे बात करना चाहूंगी, ये जो रुझान है, क्या नतीजे आना तो अभी शुरू नहीं हुए, एग्जिट पोल ने जो बात करी थी वही रुझान इस समय सामने है, इन रुझानों को देख के आप क्या कहेंगे? देखिए राखी जी, लोकतंत्र में जनता ही माई बाप होती है और जनता का फैसला सिरोधार्य होता है, राजनीतिक दलों को ये मानना पड़ेगा, और जिस तरह से देश में मोदी जी की सुनामी चली है वो एग्जिट पोल में भी नजर आ रही थी, और परिणामों में जिस तरह का रुझान आए हैं 334, तो ये अपने आप में रिकॉर्ड है, हालांकि यूपीए की कुछ स्थिति सुधर, रुझान है, रुझान में रुझान ही बता रहा हूँ, तो लेकिन रुझान रुझान ही कहीं ना कहीं संकेत भी इस बात का दे देते हैं कि ये जीत की ओर बढ़ रहे हैं। राजस्थान के साथ साथ कई स्टेट ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुला है, यहाँ वहाँ पर कहीं भी सकारात्मक उनको रुझान नज़र नहीं आ रहा, तो ये सब बातें जो है चिंता का विषय होनी चाहिए, बात की बातें हैं, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए
जो खुशी का माहौल है और उनको लग रहा है कि जो है भारतीय जनता पार्टी ने जैसा सोचा था, जैसा नरेंद्र भाई मोदी लगातार इस बात का दावा कर रहे थे, अमित शाह इस बात का दावा कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, जैसे अशोक सिंह शेखावत जी ने कहा, एक एक कार्यकर्ता को इस बात की उम्मीद थी कि पार्टी पहले से बेहतर प्रदर्शन करेगी। इसका एक बड़ा कारण ये भी था कि यहाँ पर देश में हर सीट पर नरेंद्र मोदी चुनाव लड़े। अपने राजस्थान में भी राखी जी देखा, जितनी भी चुनावी रैलियां हुई है, नरेंद्र भाई मोदी ने मंच पर प्रत्याशी बैठे रहे, लेकिन उन्होंने प्रत्याशियों का नाम लिए बगैर कहा कि आपका एक एक वोट जो आप फूल को डालोगे वो सीधा नरेंद्र भाई मोदी को जाएगा। तो मोदी जी का जो कहीं ना कहीं देश में एक नेतृत्व साफ रखकर चुनाव लड़ा गया, वहीं कांग्रेस पार्टी ने जैसा कि अभी उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं वहाँ पर उनको पहले से ही आत्मविश्वास की कमी थी, वो इस बात को तय नहीं कर पाए कि यदि यूपीए या कांग्रेस पार्टी बहुमत में आती है तो कौन पीएम का दावेदार होगा, कौन कैंडिडेट होगा। देश की जनता चाहती थी कि एक बार कहीं ना कहीं मौका दिया जाना चाहिए, और जिस तरह से 5 साल उन्होंने एनडीए गवर्नमेंट को देखा है, नरेंद्र भाई मोदी के शासन को देखा है, तो लोगों को लग रहा था कि जहाँ एक ओर तो यूपीए में कोई नेतृत्व नहीं है, नेता नहीं है, महागठबंधन अलग भाग रहा है, कांग्रेस पार्टी अलग भाग रही है, उनका गठबंधन अलग भाग रहा है, और भारतीय जनता पार्टी ने जब उनको पता है कि उनकी सीटें ठीक ठाक आ रही है, उसके बावजूद उन्होंने गठबंधन को पहले से गठबंधन का नेता भी तय था, गठबंधन की जो नेता थी उनकी सीटें भी तय थी, और जिस तरह देखिए चुनावों के बाद भी, एग्जिट पोल के बाद भी उन्होंने सबसे पहले गठबंधन के लोगों की एक बैठक बुलाई दिल्ली में, सबसे मुलाकात की, तो ये इस बात के सब संकेत थे कि उनको कहीं ना कहीं भरोसा था अपने किए गए मेहनत पर। और जिस तरह के रुझान 336 के लगभग, राखी जी अपना में बड़ी बात है, ये रिकॉर्ड टूटने जा रहा है कहीं ना कहीं, तो ये सोचना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी के लिए खासतौर पर, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, जिसने सबसे ज़्यादा वर्षों तक शासन किया, उसके लिए चिंता का वाकई में विषय है कि आखिरकार ऐसे क्या कारण हो गए कि कई राज्यों में उसका खाता तक नहीं खुल पा रहा जी। ऐसे कौन से कारण है, उनको चिंता की जरूरत है, मेहनत की जरूरत है, और सोचनीय विषय उनके लिए है कि आखिरकार ऐसा क्या था, ऐसी कौन सी नीतियां थी जिनके चलते जो 3-4 स्टेट में, जिनकी अभी कुछ दिनों पहले चुनाव में सरकार आई स्टेट गवर्नमेंट की, वहां पर मध्य प्रदेश में सरकार बनी है नहीं रहा, तो कम से कम उनको वाकई में चिंता का विषय है और विश्लेषण का विषय है जी। और कांग्रेस पार्टी करेगी भी, लेकिन कहीं कहीं ये कहा जा सकता है कि देश में पीएम नरेंद्र मोदी का जादू चला है और उनका जादू का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है, नतीजे नहीं आए, लेकिन रुझान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए काफी है राखी जी। संयोग आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप भी नजदीकी से देख रहे हैं इन सब चीजों को। राखी जी, अभी नीरज जी ने जो बात फरमाई और आपका जो भी डिस्कशन चल रहा था अशोक जी के साथ भी, देखिए मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि डेमोक्रेसी जिस तरीके से अब प्रजातंत्र कन्वर्ट होता जा रहा है, वो कन्वर्ट होता जा रहा है सिंगल लीडरशिप को लेकर के, तो इसलिए ये बात अब कह पाना कि प्रत्याशी है, प्रत्याशी की कोई अहमियत नहीं है और वो चुनाव लड़ रहा है, कमल को वोट डल रहा है, ठीक है बात वो बिल्कुल सही है कि एक समय का दौर था, पर अभी ट्रांजेक्शन फेस है। अब क्या है बात, ये द स्पीड ऑफ द बॉस इज द स्पीड ऑफ द टीम। नरेंद्र मोदी की जो स्पीड है उसको लोग पसंद करते हैं, और उसकी स्पीड अगर है तो ठीक है, उसके जुड़े हुए जितने भी कैंडिडेट उनको पसंद कर रहे हैं, उनको वोट डाल रहे हैं, जिनके नतीजे या जिनके रुझान आपके सामने आ रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, आज आप उठा के देखें कांग्रेस जो है, हम पूरे देश की बात नहीं करें, सबसे पहले राजस्थान के और मध्य प्रदेश की बात करते हैं, दोनों ही जगहों के ऊपर अभी रिसेंट के अंदर चुनाव हुआ है, रिसेंट के अंदर चुनाव हुआ है, दोनों ही जगहों के ऊपर कांग्रेस की सरकार बनी है, दोनों ही जगहों के ऊपर कांग्रेस को बहुत उम्मीद थी कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएगी, खाता नहीं खुला दोनों जगह, दोनों ही जगह पर खाता नहीं खुल पा। तो ऐसी आखिरकार क्या वजह थी कि अभी चंद महीनों पहले जहां पर चुनाव हुआ है वहां पर आज सरकार बनाती है एक तरफ कांग्रेस की जनता और दूसरी तरफ इस कदर रिजेक्ट कर देती है कि वो अपना खाता नहीं खोल पाते हैं। तो ये क्या वजह है, क्या ये वजह है कि वसुंधरा तुझसे तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं, ये जुमला जो राजस्थान में चला था वो आज चरित्रार्थ हो गया है, बिल्कुल होता हुआ नजर आ रहा है, जो प्रत्यक्ष है उसको प्रमाण की आवश्यकता कहीं पर भी नहीं है। निश्चित तौर पर कांग्रेस को ये सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आखिरकार उनकी क्या रणनीति में, क्या उनकी पॉलिसीज में, या उनके किसी और चीज में ऐसी कमी रह गई कि जनता ने उनको इस कदर रिजेक्ट कर दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बहुत साफ छवि के नेता हैं, उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत करी इस चुनाव के अंदर, उनके सुपुत्र भी चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने भी बहुत कड़ी मेहनत करी, पर जनता ने पूरी तरीके से सब चीजों को रिजेक्ट कर दिया। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी देखिएगा आप, कांग्रेस की सरकार बनी है पर जो भी प्रारंभिक रुझान आ रहे हैं वहां पर बीजेपी के पक्ष के अंदर रिजल्ट जा रहे हैं, अभी रुझान जो है पूरी तरीके से बीजेपी के पक्ष में, और हम कर्नाटक को भी नहीं भूल सकते राखी जी, कर्नाटक के अंदर की भी बिल्कुल दहलीज पर आकर के सरकार रह गई थी, बीजेपी सरकार नहीं बना पाई थी, पर आज रुझान आप देखिए, बीजेपी
कर्नाटक के अंदर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो आखिरकार ऐसी क्या वजह रह गई कि कांग्रेस अपने वोट बैंक को एकजुट नहीं कर पाई? निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए बहुत सोचने की जरूरत है इन सब चीजों जी। अशोक जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, अभी नीरज जी ने मेरी बात बोली कि प्रत्याशी बिल्कुल गौण थे इस बार, आपके जो सारे वोट पड़े नरेंद्र भाई मोदी के नाम पर वोट पड़े, क्या ये लोकतंत्र के लिए सही है? देखो कि लोकतंत्र के लिए यदि हम संवैधानिक रूप से देखें, हम यदि किसी का प्रधानमंत्री का यदि चयन होता है और वो चयन होता है वो उसका मास्टर होता है और उसके साथ सारे काम जो करते हैं वो लोग करते हैं, उसका एक चयन का अधिकार होता है कि मैं मेरी टीम को कैसे रखूंगा और मेरी टीम को मैं किस प्रकार से काम करूंगा जो राष्ट्र के निर्माण में हो, विकास में के निर्माण में हो, और जितने भी हमारे डेवलपमेंट की जो चीजें होती है उसका वो रूप से कर सके। जहां तक व्यक्तिवाद की आती है कि क्या आता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का आपके कैडर बेस पार्टी देखी जाएगी, कैडर बेस पार्टी के अंदर जिसको यदि टिकट दिया जाता है तो वो उसको सारा कैडर उसके साथ रहता है, बूथ से, मंडल से, विधानसभा से, जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर ये सब कुछ रहते हैं। वहां तक जहां तक आती है जनता के अंदर नरेंद्र मोदी जी की बात आती है तो नरेंद्र मोदी जी का आप ये देखिए, उनका एक व्यक्तित्व देखिए और विपक्ष का व्यक्तित्व देखिए, जातिवाद का है नहीं, वंशवाद का है नहीं उनके ऊपर, और आपके तुष्टिकरण की जो राजनीति जो चलती है उस तुष्टिकरण की राजनीति को किस प्रकार से इस मैंडेट इस वर्तमान में दिया है, जो बार बार में जो विपक्ष कर रहा था उस विपक्ष को किस दहलीज पर लेकर आज खड़ा कर दिया है कि आप बार बार में तुष्टिकरण की राजनीति करोगे, जिन लोगों के लिए आप बार बार में करते हो उनको लोगों को आपने 70 साल में ऐसा क्या दे दिया, सिर्फ टिकट के अलावा आपने कुछ नहीं दिया उन लोगों को, सिर्फ टिकट तक सीमित करके, और भारतीय जनता पार्टी को बार बार में आप क्रिटिसाइज करते हो आपने इनको टिकट नहीं दिया, लेकिन जिनको टिकट दिया उन लोगों ने क्या उस धर्म के लिए क्या क्या उन लोगों के लिए क्या क्या काम किया है वो उनके लिए प्रश्न चिन्ह है। आज की टाइम में 2014 में भी ये प्रश्न चिन्ह था, 2019 में उनके लिए प्रश्न चिन्ह आ रहा है कि इस प्रकार से आप राजनीति करोगे, तुष्टिकरण की आग करोगे और अल्पसंख्यकों के लिए विभेदकारी नीतियां अपनाओगे, आप सरकारों के लिए करोगे, सब ये करता है। नरेंद्र भाई मोदी ने कहा सबका विकास सबका साथ का नारा दिया है जिसमें सबको मिलते हैं, जितनी भी योजना थी सबको मिलती है। सवाल ये है कि आप देश की इतनी बड़ी आबादी को नकार तो नहीं सकते, आप एक पार्टी पे आरोप तो लगा सकते हो कि कहीं तुष्टिकरण कर रही है कांग्रेस पार्टी, लेकिन क्या इस आबादी को टिकट नहीं देकर आपने एक तरह से नकार नहीं दिया उनको? देखो कि देखो रिजल्ट आना अलग विषय है, लेकिन आपके परिवार का कोई सदस्य यदि वो कमजोर है तो क्या उस सदस्य का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी नहीं है? देखो कि चूरू की मैं बात करूं, रिजल्ट अलग विषय है, चूरू की एक बात करूं, चूरू में देखो साफ हुआ था कि साहब इस कैंडिडेट को नहीं देते तो आप इस कैंडिडेट को दोगे तो कांग्रेस की पार्टी का थोड़ा बहुत ग्राफ होगा जीतने का, लेकिन वो कम हो सकता है। इसी प्रकार से अब नरेंद्र भाई को आप देखिए, गुजरात में आपका उदाहरण बताऊं, गुजरात में कभी 16 टिकट दिया जाती थी आपके विधानसभाओं के अंदर, लेकिन उसको कम किया कांग्रेस ने, किस लिए कम किया कि क्यों जीत नहीं सकते। तो भारतीय जनता पार्टी यदि किसी को टिकट देती है तो उसमें यह देखा जाता है कि कौन जिताऊ हो सकता है और वो कौन सा, उसमें किसी जाति का भी हो सकता है और सबका भी हो सकता है, लेकिन जिताऊ ना होना और उसके अलावा आपका जिस प्रकार से काम करते दोनों चीजें आती है। अशोक जी, 543 सीटें टोटल है, क्या भारतीय जनता पार्टी सभी 543 सीटें जीत रही है? नहीं, किसी लोगों को नहीं जीत रही। तो यही लोकतंत्र में होता है कि कमजोर ऐसा है, जो लोग हैं, जो कमजोर वर्ग है उनको भी कहीं के टिकट देकर, टिकट के देकर उनको सब बराबरी में खड़ा करने का प्रयास राजनीतिक पार्टियां करती है, और यही प्रयास, क्योंकि यही उनको लगता है, मुस्लिम्स को बीजेपी बुरी नहीं लगती है, लेकिन कहीं उनको लगता है कि यार जब हमारे मुख्तार अब्बास नकवी, शहजाद हुसैन जैसे, शहनवाज हुसैन जैसे नेताओं को भी टिकट नहीं मिला तो कहीं ना कहीं उनमें नाराजगी भी आती है। ये मैं कह रहा हूँ कि अलग विषय, चुनाव जीतना अलग विषय, चुनाव जीत रहे हैं वो भी बड़ी बात है, लेकिन कहीं लेकिन एक जो राष्ट्रीय पार्टी है, जो देश के प्रधानमंत्री है, जिस जो सबसे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, क्या वो कमजोर लोगों को साथ नहीं लेकर चलेगी? देखो ये आज जो मैंडेट आ रहा है 2014 का मैंडेट आ रहा है, यदि हम उन लोगों को साथ नहीं लेते तो क्या इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का जो दल है वो क्या जीत पाता इस प्रकार से? एक बात करना एक अलग चीज होती है, लेकिन 70 सालों में जो किस प्रकार से आप देखिए, क्या उनका जो अल्पसंख्यक थे, जो धर्म के आधार पर जो कहते हैं, क्या उनका विकास किया? सच्चर जो कमेटी आई, उस सच्चर कमेटी ने क्या क्या स्थिति बताई कि इनकी स्थिति कैसी है? अब राजनीतिक रूप से तो एक बात कह सकते हैं, लेकिन राजनीतिक के अलावा और भी ऐसी चीजें हैं जिनको आपको उनको उठाना पड़ेगा। आज उनकी देखी जाए संख्या जितना गवर्नमेंट कर्मचारियों की कितनी संख्या कम है, आज उद्योग धंधों में देखी जाए तो कितनी संख्या कम है, हर चीज के लिए आप नहीं कह सकते कि साहब इसमें किया जाए। सबका विकास के लिए बात हम करते हैं तो जो योजनाएं आती है वो योजना मुस्लिम के लिए भी आएगी, तो हिंदू के लिए भी आएगी, क्रिश्चियन के लिए भी आएगी, आपके जैन धर्म जो हिंदू के अंदर है, बौद्ध धर्म, सबके लिए आएगी, उसमें तो कोई भेदभाव नहीं होता। सिर्फ टिकट का मापदंड करना कि साहब टिकट नहीं दिया तो उनके साथ विभेदकारी नीति हो गई है, लेकिन जिन्होंने जिनको टिकट दिया क्या उन लोगों ने जिनको जीत के आए, या कांग्रेस पार्टी ये तो बताए कि हमने उन लोगों को क्या किया है, ये बातें कभी नहीं कहती, सिर्फ एक टिकट पर आके टिकट जाती है कि साहब आपने टिकट क्यों नहीं दिया, टिकट पर लगता है कांग्रेस पार्टी तुष्टिकरण की नीति अपनाती है, तुष्टिकरण के चक्कर में टिकट बांट दिया है
और भारतीय जनता पार्टी वोटों का ध्रुवीकरण करती है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो देखो जिस प्रकार से हमने देखा है जो डेवलपमेंट के हमारे 5 साल के जो विकास के कार्य हुए, मोदी जी का आप देखेंगे जाकर जो संबंधों में होता था, चाहे रैली के रूप में हो, चाहे और किसी क्षेत्र में हो, क्या किसी को इंटरव्यू में दिया हो तो उन्होंने कहा कि हमने जितनी विकास की योजनाएं जो लेके आए, मापदंड लेके आए, वो गरीब से लेके आए। यदि हम शौचालय ले आते हैं, मकान लेके आते हैं, यदि उनके लिए आप इलेक्ट्रिसिटी का लेके आते हैं और ये स्वच्छता की हम बात करते हैं, यदि हम उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए बीमा योजना लेके आते हैं, तो ये क्या योजना किसके लिए हो सकती है? वो सबके लिए हो सकती है। वो एक आप ये नहीं कह सकते ध्रुवीकरण की बात आती है, ये कोई ध्रुवीकरण की बात नहीं आती। जहां तक ध्रुवीकरण की बात आती है, जो यदि आप 370-35 आसपास जैसी बातें यदि आप अपने मैनिफेस्टो के अंदर कांग्रेस लेके आ रही है, तो क्या कांग्रेस इस प्रकार के क्यों कहना चाहती? कहे ना कि आसपास हम किस सैनिकों के साथ हैं, हम सशस्त्र बलों के साथ हैं, डिफेंस जो हमारी जितनी सेनाएं हैं उन तीनों के साथ, विंग के साथ हैं। क्या उन लोगों के ऊपर हम हाथ बांध देंगे उन लोगों के? यदि उनमें तीन तीन चीजें आती है, यदि उसको सर्च के लिए गया, पहले पूछे जाकर कि आपका हम सर्च उद्धव करेंगे जब आपका कोर्ट के थ्रू वारंट आएगा और आपको सर्च करेंगे, उसको कहेंगे साहब उसको इंटरोगेट करेंगे और उससे कुछ भी चीज उगला लेंगे या उसके साथ मारपीट करेंगे, ये तो मुझे हो नहीं सकता। उसमें केंद्र और राज्य का दोनों का होता है और हर 6-6 महीने बाद में उसमें समीक्षा होती है और कम से कम 1800 के लगभग उसमें मामले आए। उस मामलों में उन्होंने केंद्र ने और राज्य के बीच स्तर पर बैठी कमेटी ने उसने तय किए और कई ऐसे जो सैनिक थे या कोई अधिकारी थे जिन प्रकार से इसका जिसका दुरुपयोग किया, उन लोगों को उनकी कठोरतात्मक कार्रवाई भी एज ए मार्शल के द्वारा, जो कोर्ट मार्शल होता है उसके द्वारा की गई है। और ये नहीं है कि किस प्रकार से नहीं की, फिर भी आसपा को आप लेके मुद्दा लेके आते हो, 370 को लेके आते हो, ये चीजें नहीं ले आनी चाहिए। क्योंकि आप 370 यदि 35 है कि हम बात करें, मैं एक मिनट बीच में अशोक जी आपकी बात 370 की आई तो मैं एक बार नीरज जी से भी जानना चाहूंगा कि देखिए ये अब तो लगभग ऐसा माने कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है और नरेंद्र मोदी वापस से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो जो 370 का मुद्दा था, वो 370 का मुद्दा अब किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक्सकेलेट करेगी? क्योंकि आना पिछले जो 2 साल है उनके ऊपर कश्मीर के अंदर जो हालात बने, 370 के ऊपर जो बहस चली, उसको लेकर के अभी तक कोई क्लियर कट भारतीय जनता पार्टी ने अपना माइंडसेट नहीं बताया कि वो क्या करने जाएगी। क्या लगता है नीरज जी आपको, क्योंकि ये प्रदेश की जनता, राज्य की जनता, पूरे हिंदुस्तान की जनता इस बारे में जानना चाहती है। देखिए संयोग जी, सब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में इसको रखा है और जिस तरह का बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है, उससे साफ है कि अब भारतीय जनता पार्टी को इस विषय में एक्शन तो लेना पड़ेगा जी। वो एक्शन किस तरह से लेती है, क्या उनकी रणनीति होगी, ये अलग विषय है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी और पीएम नरेंद्र मोदी इस बात से मुकर नहीं सकते कि वो धारा 370 हटाने के लिए कोई प्रयास नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात यह कि जो मैंडेट उनको मिला है, कहीं ना कहीं धारा 370 उसका बहुत अहम रोल है, अहम रोल है राष्ट्रवाद, और जो सेना को उन्होंने फ्री हैंड किया है, जिस तरह से ये एयर स्ट्राइक हुई है, पाकिस्तान का मुद्दा उन्होंने बार-बार उठाया है, इन सब बातों का फायदा भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट तौर पर मिला है। तो ये बहुत जरूरी हो गया है कि अब जब सरकार बनेगी तो जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को प्रयास करना पड़ेगा, केंद्र सरकार को प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि वो इस बात से मुकर नहीं सकती, इनकार नहीं कर सकती। अगर सारी बातें, और यदि भारतीय जनता पार्टी यहां पर फिर दोहरी नीति अपनाती है जैसा कि कांग्रेस पार्टी अपनाती रही है, तो उसका हश्र भी फिर आने वाले समय में वैसा ही होगा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को यह तो तय करना पड़ेगा कि वो किस तरह से इस धारा 370 को उठाती, क्योंकि जनता ने मैंडेट उनको इसी आधार पर। देखिए निश्चित तौर पर है नीरज जी कि जिस तरीके का अब मैंडेट मिलने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को, तो ये इतना बड़ा मैंडेट है कि नींव हिलाने वाला काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, जो भी ऐतिहासिक निर्णय लेने की बात, ऐतिहासिक निर्णय जो आज दिन तक हिंदुस्तान के अंदर जो निर्णय नहीं लिए गए आजादी के बाद से, ये जनता इसी कारण आज शायद ये वाला मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी को देना चाहती है कि वो चीजें की जाए जो आज दिन तक नहीं हो पाई। एक बात मैं और कहना चाहूंगा राखी जी, आप उठा के देखिए जो वंशवाद वाली बात अशोक जी बार-बार अपने 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 वक्तव्य में कह रहे थे, आज वंशवाद पूरी तरीके से राजस्थान हिंदुस्तान की राजनीति से धुलता हुआ नजर आ रहा है। चाहे वो गांधी परिवार है आप देख सकते हैं, चाहे से वो लालू प्रसाद यादव का परिवार है बिहार में वो देख लीजिए, चाहे समाजवादी पार्टी का परिवार है वो देख सकते हैं, और जैसे आपने बताया चौटाला का परिवार है, जो अपने सक्सेसरशिप समझते थे ऑटोक्रेसी की, आज जनता ने उनको भी बहुत बड़ा सबक सिखाया है। निश्चित तौर पर जो पिछड़ा वर्ग है, जो बिल्कुल डिप्राइव्ड रहा है वह है सत्ता से, वो आना आगे आना चाहता है, वो लीड लेना चाहता है। शायद यही वजह है कि नरेंद्र मोदी को क्यों निश्चित तौर पर जनता ने इतना बड़ा आज इतना बड़ा वापस मैंडेट देने की तैयारी वापस से कर ली है। चलिए मैं थोड़ी देर के लिए आपको एक बार रोकना चाहूंगी, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।